अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। टेट परीक्षा के संदर्भ में हमने एक सवाल पूछा था कि कौन से मीडियम के कितने बच्चे हैं जिन्होंने टेट एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए, मतलब जो टेट की परीक्षा दिए है, उर्दू मीडियम से कितने, मराठी मीडियम से कितने, हिंदी मीडियम से कितने और इंग्लिश मीडियम से कितने हैं। हमने ये चार मीडियम का वहाँ पर जिक्र किया था और एक मतलब चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि 80% विद्यार्थी मराठी माध्यम से, तो यहाँ पर इस सर्वे में जो बच्चों ने वोटिंग की है, जो बच्चों ने इस पोल में वोटिंग की है, वो तमाम बच्चे जो है टेट के एग्ज़ाम दे चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय और परिपत्रक जो है वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए जानते हैं पूरा मामला किस तरीके से है। तो देखिए, एक सवाल पूछा गया था, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि टेट परीक्षेसाठी तुमचे माध्यम काय होते। यहाँ पर पूछा गया था कि आपने जब टेट की एग्ज़ाम दी है तब आपका मीडियम कौन सा था, यानी किस मीडियम के लिए आपने टेट की एग्ज़ाम दी है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन हमने मराठी रखा था, दूसरा ऑप्शन उर्दू, तीसरा अंग्रेजी और चौथा हिंदी। ये चार ऑप्शन हमने यहाँ पर दिया था। इसके अलावा जो संस्कृत वगैरह ये ऑप्शन हमने यहाँ पर नहीं रखे थे। तो चार ऑप्शन में आपको जो परसेंटेज है, यानी कैंडिडेट कितने कितने कौन से मीडियम के लिए बैठे हैं, वो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा। तो सबसे पहली बात और बहुत बड़ी बात, यानी मराठी मीडियम के 79% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेट की एग्ज़ाम दी है। ये यूट्यूब कम्युनिटी में हमने एक सवाल पूछा था कि आप कौन से मीडियम से हो, आप अपनी राय दीजिए। तो ये तमाम बच्चे वही हैं जिन्होंने टेट के एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं अपनी नौकरी के लिए। तो इसमें 79% जो बच्चे हैं वो मराठी मीडियम के हैं जिन्होंने टेट की परीक्षा दी है। पहली से लेकर 12वीं तक इसमें सब शामिल होते हैं। पहली से 5वीं का गट भी इसमें शामिल होता है, 6 से 8 और 9 से 12 का गट भी इसमें शामिल होता है। मतलब इसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो मराठी मीडियम के, जिनका यहाँ पर आंकड़ा है 79%। 79% बच्चे जो है वो मराठी मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने टेट के एग्ज़ाम दिए हैं और जो पवित्र पोर्टल पे मराठी मीडियम के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। उसके बाद उर्दू के बच्चे हम यहाँ पर देखेंगे, जो उर्दू से संबंधित है जितने स्टूडेंट्स, तो उसमें 13% स्टूडेंट्स जो है वो उर्दू भाषा से संबंधित है। मतलब 13% स्टूडेंट ऐसे हैं जो उर्दू सब्जेक्ट के लिए या उर्दू मीडियम के लिए जो है पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले और जिन्होंने फरवरी 2023 में टेट के एग्ज़ाम दे चुके हैं और ये लोग जो है अब पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होगा, तो इनका माध्यम, इनका मीडियम जो होगा वहाँ पर उर्दू होने वाला है। उसके बाद इंग्लिश के जो है वो 6% स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने टेट के एग्ज़ाम जो है इंग्लिश मीडियम या पवित्र पोर्टल पर अब रजिस्ट्रेशन हुआ, ये बच्चे करने वाले हैं, ये इंग्लिश मीडियम के लिए करने वाले। और हिंदी मीडियम के इसमें सिर्फ 2% कैंडिडेट है। तो मतलब ओनली 2% कैंडिडेट जो है वो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बाकी 79% यानी मराठी मीडियम में बहुत बड़ा टफ़ कंपटीशन है यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ा स्पर्धा जो है मराठी मीडियम में नज़र आ रही है। 79% यानी मैक्सिमम आप सोचेंगे क्या चौथा हिस्सा जो है वो तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा जो है मराठी मीडियम की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से एक चौंकाने वाला सर्वे था। वीडियो आपके सामने लाना ज़रूरी था कि कौन से मीडियम के कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे जो है पवित्र पोर्टल में किस मीडियम के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले, बिकॉज ये बच्चे जो है वो परीक्षा दे चुके हैं टेट के एग्ज़ाम और इनके जो भी नंबर आए उस नंबर के हिसाब से ये बच्चे जो है अब पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं और कैटेगरी वाइज जो है ये अपने अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन मराठी मीडियम के 79%, उर्दू मीडियम के 13%, इंग्लिश के 6 और हिंदी के 2% बच्चे इस तरीके से जो है पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। ये उन्हीं बच्चों ने अपनी वोटिंग इसमें दी है जो बच्चों ने टेट में रजिस्ट्रेशन, पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है और जिन्होंने टेट की परीक्षा अभी देकर आए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर हमें पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।